माय हीरो एकेडमिया सीजन 4 कुछ हफ्ते पहले खत्म हो चुका है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी ये सीजन देख लिया होगा। तो कैसा लगा आपको ये सीजन बिना ऑल माइट के? और बिना ऑल माइट से मेरा मतलब है विदाउट हीरो ऑल माइट, ना कि ये वाला। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बिना ऑल माइट के माय हीरो एकेडमिया में क्या क्या चेंजेज आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल फॉर वन से फाइट के बाद ऑल माइट के बॉडी में एक बहुत बड़ा स्कार या होल हो गया था, जिसके बाद ऑल माइट सिर्फ पार्ट टाइम हीरो वर्क किया करते थे। बट मेजर टर्निंग पॉइंट किमिनो इंसिडेंट के दौरान आया, जब बाकुगो रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑल माइट को एक बार फिर से ऑल फॉर वन का सामना करना पड़ा और ये फाइट माय हीरो एकेडमिया की वन ऑफ द बेस्ट फाइट कंसिडर की जाने लगी, जिसके कारण माय हीरो एकेडमिया सीजन 3 को बेस्ट एनिमे फाइट ऑफ 2018 का अवार्ड भी मिला। बट इस फाइट का नतीजा ऑल माइट से सिंबल ऑफ पीस का स्टेटस छीन ले गया, जिसका मेजर इंपैक्ट हमें सीजन 3 में नहीं बल्कि सीजन 4 में देखने को मिला। जब तक ऑल माइट एज ए हीरो काम करता था तब तक जापान की क्राइम रेट बिलो 6% थी, लेकिन जैसे ही ऑल माइट के रिटायरमेंट की बात फैली वैसे ही काफी सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो गए और जापान का क्राइम रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। बट ये तो कुछ भी नहीं था, ओवरऑल आग के दौरान एक नहीं बल्कि दो दो मेजर लॉस हुआ, जिसे हम व्यूअर पर एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा। और जब कोई एनिमे हमें ऐसे इमोशनली कनेक्ट कर लेती है तब उस एनिमे के लिए हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और साथ ही एक कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का भी काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप नारुतो से जिराया या नेजी को ले सकते हैं। इनके सेक्रीफाइस ने हमें नारुतो से और भी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर दिया और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो हुए ही। खैर इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो हम कहाँ थे? हाँ, ओवरऑल आग के दौरान एक नहीं बल्कि दो दो मेजर लॉस हुए। सबसे पहला लेमिलियन को अपना क्विर गंवाना पड़ा और दूसरा नाइटाई की डेथ, जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थी। अब तुम सब एक सेकेंड के लिए पाउज लो और सोचो, अगर ऑल माइट होता तो क्या एक स्टूडेंट को अपना क्विर गंवाना पड़ता और क्या नाइटाई की डेथ होती? तो जवाब निकल के आता है बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑल माइट के पास पावर होता तो एरी रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑल माइट सभी हीरो को लीड करता। अगर विलन का पहला अटैक होता तो ऑल माइट वो पहला अटैक अपने ऊपर लेते, और अगर लास्ट अटैक भी किसी विलन का होता तो वो लास्ट अटैक भी ऑल माइट अपने ऊपर लेते, चाहे उनकी बॉडी पीसेस में क्यों न बढ़ जाती, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं होने देते और शायद ही किसी हीरो को अपना क्विर गंवाना पड़ता और शायद ही किसी हीरो की डेथ होती। इसके बाद हमें कल्चरल फेस्टिवल आर्क देखने को मिला, जिसमें ऑल माइट की क्या किसी और हीरो की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन इस वर्ल्ड को जरूरत थी तो एक सिंबल ऑफ पीस की, जो कि लोगों को एक होप दे सके कि हाँ कोई तो है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए पहली बार हीरो रैंकिंग को लेके एक स्टेज शो किया गया, जिसमें जापान के टॉप 10 हीरो को फीचर किया गया, और यहाँ पे हमें एक नया सिंबल ऑफ पीस देखने को मिला जो है इंडावोर। और सिर्फ इंडावोर ही नहीं, हमें काफी सारे नए प्रो हीरो देखने को मिले, जैसे कि हॉक, निंजा हीरो एडशॉट, शील्ड हीरो क्रस्ट, सामुराई वुड्स एंड दिस बैडएस रैबिट लेडी मिरुको। बाय द वे मिरुको और हॉक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसके बाद हमें प्रो हीरो आर्क देखने को मिला, जिसमें इंडेवर और हॉक पहली बार साथ काम करते हुए दिखे, और इस आर्क में इंडेवर ने अपने आप को साबित किया कि हाँ ही समोन जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एज अ सिंबल ऑफ पीस। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडेवर के पावर और ऑल माइट के पावर के बीच जमीन आसमान का अंतर है, बट हर किसी को मूव ऑन करना पड़ता है। अगर ऑल माइट की पावर चली गई है तो वो वापस नहीं आने वाली है, बट उनका प्लेस कोई और हीरो जरूर ले सकता है। जरूरत है तो एक बेटर नरिशमेंट की, जो कि ऑल माइट एज ए टीचर कर रहे हैं। बाय द वे मैंने मांगा से कोई रेफरेंस यूज नहीं किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं मांगा को भी कवर करूं तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही औसम वीडियो के लिए, और चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।